हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट, ऑपरेशंस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। अब सिंगल लिंक लिस्ट का आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन तो ये है एपेंड। एपेंड मीन्स कि आपने कोई भी नोट जो है उसमें ऐड करना है, तो ऐड एट एंड, अगर हमने एंड में ऐड करना है या बिगनिंग में ऐड करना है, कहीं भी ऐड एट बिगिन, ऐड एट आफ्टर। आफ्टर का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर नोट के बाद में किसी नोट को अगर ऐड करना है तो आपका आ जाएगा ऐड आ ऐड आफ्टर अ पर्टिकुलर नोट। देन डिलीट, अब डिलीट भी हम किसी भी नोट को कर सकते हैं, डिलीट का ऑपरेशन बन जाता है। या फिर एक आ जाता है हमारा लेंथ फाइंडिंग, कि इसमें टोटल कितने हमारे पास में नोट्स हैं, लेंथ फाइंडिंग। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम लिंक लिस्ट पे परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले हम कर देते हैं एपेंड, यानी हमारे को ऐड करना है। अगर ऐड करना है तो या तो देखो, जो लिंक लिस्ट है, अगर लिंक लिस्ट में कोई भी एलिमेंट अभी हमारा नहीं है, तो यानी सबसे पहला नोड ही हमारे को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो दिस इज एपेंड, ये हमने फंक्शन दे दिया। उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, एक हम ले लेते हैं टेम्प। टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प वेरिएबल को लिया स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड टेम्प। टेम्प का क्या मतलब है, अभी इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या करा था, एक हमने ये लिया नोट बनाना है, नोट के लिए हमने एक मेमोरी एलोकेशन दी जिसमें दो फील्ड हैं, एक डेटा फील्ड है और एक ये लिंक फील्ड है। एक हमने रूट लिया, रूट को क्या होता है हमारा, रूट होता है ग्लोबल वेरिएबल। रूट में अभी जो वैल्यू है स्टार्टिंग में वो है नल। और एक टेम्प ले लिया, टेम्प जो कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, ये टेम्प है हमारा। टेम्प का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस कौन सा होगा, जो डेटा होगा, डेटा का जो एड्रेस है, अगर सपोज इस डेटा का एड्रेस है 2000, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, टेम्प में। यानी टेम्प अभी हमारा इस नोड के साथ में कनेक्टेड है, ये नोड हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसे हम ऐड कर देंगे किसके, रूट के साथ में। इसका जो लिंक है वो टेम्प का लिंक है अभी नल। ठीक है, अब अगर इस हमारे लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है, यानी एक ही नोड है जो कि फर्स्ट नोड हम एक तरह से उसमें ऐड कर रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड आ गया हमारा टेम्प। अब क्या होता है, मैलॉक फंक्शन देना होता है, उसका साइज हम शो करेंगे। तो टेम्प इक्वल टू मैलॉक, मैलॉक देन दिस इज द साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका टाइप पर स्ट्रक्ट नोड ये। तो आपने ये टेम्प को शो कर दिया। देन फिर प्रिंट एफ, प्रिंट एफ किसका, जो कि इसका डेटा, एंटर नोड डेटा, एंटर नोड डेटा, यानी इसमें अगर हमने 10 दिया है तो इसमें एंटर करा हमने इसका डेटा की वैल्यू को ले लिया। देन इसे स्कैन एफ करेंगे, स्कैन एफ कैसे करते हैं, स्कैन एफ का पता है आपको, इंटीजर वैल्यू है, तो हमने परसेंट डी, दिस इज द एड्रेस ऑफ टेम्प टू डेटा। टेम्प टू डेटा क्या है, ये 2000, इसको हमने रीड कर लिया। अब आ जाएगा हमारा टेम्प का लिंक, टेम्प का लिंक इक्वल टू नल। टेम्प का लिंक कौन सा होगा, टेम्प का लिंक ये, तो दिस इज इक्वल टू नल है। तो क्या आएगा, इफ रूट इक्वल टू नल, इफ रूट इक्वल टू नल, तो आ गया आपका रूट इक्वल टू टेम्प। रूट इक्वल टू नल है हमारे पास में, रूट में कोई वैल्यू नहीं है, तो टेम्प की वैल्यू हम रूट में स्टोर कर देंगे, टेम्प की वैल्यू को रूट में स्टोर करेंगे। तो इसका कनेक्शन किससे बन जाएगा, इस नोड से कनेक्शन बन जाएगा, यानी पहला नोड हमारा क्रिएट हो गया, जो कि हमने इसकी वैल्यू को अब रूट में, यहाँ पर नल की जगह क्या आ जाएगा 2000। तो ये हमारा पहला नोड क्रिएट हो गया। अगर सपोज हमारे पास में, अभी तो हमने लेके चल रहे हैं कि इस लिंक लिस्ट में कोई भी नोड नहीं था, जो हमने करा वो पहला नोड क्रिएट करा, लेकिन अगर हमारे पास में और नोड हैं तो एल्स कंडीशन भी देनी पड़ेगी हमारे पास। तो एल्स कंडीशन के लिए कैसे, ये रूट है हमारे पास, रूट के लिए अभी हमने जो कनेक्शन दिया है आगे, ये 10 है, इसका इसका ले लेते हैं हम 1000,
देन फिर 2000, 2000 किससे कनेक्ट है, इससे, इसका डेटा ये, दिस इज 2000, यहाँ पर 3000, ये किससे कनेक्ट है, इसका, यहाँ पर 330, ये नल, ठीक है, लास्ट वैल्यू ले रहे हैं ये 3000। अब देखो हमारे को अगर इसमें एक नोड हमने और ऐड करना है और वो नोड हमें ऐड करना है इसके एंड में, अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट नोड क्रिएट करा था, अब इसके एंड में हमारे को करना है, तो सबसे पहले तो हम जो पीछे हमने लिया था, जैसे यहाँ पर लिया था हमने एक टेम्प वेरिएबल लिया, टेम्प वेरिएबल के लिए एक नोड क्रिएट कर दिया, इसको मेमोरियल लोकेशन में दिया, ये 50 है, 50 के लिए ये इसका नल, ये नल, ठीक है, ये नोड जो हमने जैसे लास्ट टाइम क्रिएट करा था ऐसे ये नोड हमने क्रिएट करा। अब इसको यहाँ पर हमें ऐड करना है, उसको ऐड हम कैसे करते हैं कि पहले जो पीछे वाली कंडीशन थी कि इफ़ रूट इक्वल टू नल, तो आपका आ जाएगा रूट इक्वल टू टेम्प, यानी टेम्प की वैल्यू रूट में आ गई, ठीक है, और एल्स कंडीशन क्या है, एल्स कंडीशन के लिए आपने क्या करा, एक पी को ले लिया, पी भी एक लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल हम क्यों लेते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है, जैसे ही हमारा एग्जीक्यूट होता है लोकल वेरिएबल खुद पर खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल तो हमारा एज इट इज़ रहता है बट लोकल वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, तो ये आया हमारा स्ट्रक्ट नोड पी। अब रूट में रूट की जो वैल्यू है वो हमने डाल दी पी में, रूट इक्वल टू पी, अब रूट क्या है हमारा, ये रूट है, रूट की वैल्यू आपकी सपोज़ ये 1000 थी, अभी यहाँ पर उसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया, 1000 को पी में कर दिया, यानी पी अभी हमारा किससे कनेक्ट हो गया, पी हमारा कनेक्शन, पी का कनेक्शन किससे बन गया, इससे बन गया, पी का कनेक्शन बना, हमने रूट की वैल्यू को पी में डाल दिया। एक सेकेंड, रूट की वैल्यू को पी में करा, अब देखो पी में रूट की वैल्यू डाली, अब पी को हमें कितना आगे तक चलना है कि हमें नल मिल जाए, जब हमें नल मिलेगा तभी हमने जो दूसरा वाला नोट क्रिएट